नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंकिता। आपको मिर्जापुर के ओर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक हुई संपन्न। मिर्जापुर लालगंज थाना क्षेत्र के गड़बड़ गांव में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बैठक हुई, जिसमें ब्लॉक के अधिकारी फील्ड अफसर पंकज कुमार सिंह और ग्राम संगठन सीनियर आंतरिक संदर्भ रिसोर्स परिषद सुनीता यादव, रेखा बिंद और समूह सखी अनीता देवी की देखरेख में ग्राम संगठन बनाया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज मिर्जापुर से भूप नारायण की रिपोर्ट। ये बैठक अभी गड़बड़ ग्राम सभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 समूहों का जो आपस में लेन देन और बचत करती हैं सरकार की तरफ से जो भी उनको सहायता राशि दी जाती है RFOCIF के माध्यम से, उसके बाद ये ग्राम संगठन के लिए अभी इनका जो है कि चयन हुआ है प्रतिनिधि का, और बाकी ग्राम संगठन का भी चयन हुआ है जो कि हिम्मत प्रेरणा आजीविका के नाम से इनका ग्राम संगठन चलेगा आगे। इसमें कुल 6 समूहों की 72 महिलाएँ हैं होंगी, और ये महिलाएँ आपस में महीने में एक बार बैठक करेंगी, और बाकी जो भी आजीविका और अपना जो है कि सामुदायिक निवेश से संबंधित जो भी जो है कि फैसले होंगी इनके बीच की जो है कि पदाधिकारी लिया करेंगी, और बाकी जो भी सरकार से इनको जो है कि फ़ायदा मिल सकता है वो फ़ायदा इनको दिया जाएगा। जी चाहे जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ी जानकारी दी। लेकिन हम देखिए दीदी जी से मिलना चाहते हैं कि इनको किस बात की जानकारी दी गई, आज इन समूह में जो बैठक की तो किस किस बात की जानकारी दी आप लोगों ने? भैया हमने दीदी हमने ग्राम संगठन के बारे में जो जानकारी दिया है, क्योंकि हम आए क्या बोलते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो हम भी ग्राम संगठन की ही जानकारी इनको देंगे। 6 समूह।